नहीं दे दिया कि शराब उनके हराम है, बल्कि इसको भी आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया। अगर एक ही मतलब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नाजिल कर दिया जाता कि शराब उनपे हराम है, जो शराब तबीयतों में लत बस चुकी थी, एक आदत बन चुकी थी उनकी, उसको एक दम से छोड़ देना मुश्किल हो जाता। तो अल्लाह ताला ने पहले कहा कि ये शराब जो है इसमें थोड़े बहुत फायदे हैं, लेकिन इसके नुकसान ज्यादा है। नुकसान क्या है? ज्यादा है और फायदे है कि इससे खरीद और फरोख्त से इंसान क्या है तिजारत से कुछ पैसा हासिल कर लेता है और इस तरह के फ्यूचर देख हुआ है। और फिर बाद में अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल किया कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक्रबू सलाह व अंतुम सुकारा, कि जब तुम नशे की हालत में हो तो उस वक्त नमाज के करीब न जाओ, नमाज से दूर रहो। और फिर फरमाया कि इन्नमल खमरु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाब रिज्सु मिन अमल शैतान फज्तनिबू, कि ये सारे के आमाल, सारे के सारे आमाल शराब पीना जुआ खेलना ये शैतानी काम है और इनसे तुम बाज रहो, रुक जाओ, फज्तनिबू। अब शराब क्या है? हराम हो गई। और सहाबे किराम फरमाते हैं कि हम एक घर में बैठे थे और शराब पी रहे थे और बाहर से किसी ने गली में आवाज लगाई कि अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हो गया है कि आज के बाद शराब हराम है। तो सहाबे किराम फरमाते हैं कि हमने वो मटके उठाए और गली में फेंक दिया और जिसका गिलास उसके मुंह के करीब था उसने ये नहीं कहा चलो ये पी लेते हैं, ये दो चार घूट पी लें तो बाद में देखी जाएगी, नहीं, कहीं से वो गिलास वापस करके उसको वहीं फेंक दिया और यूँ महसूस होता था कि गलियों में जितना शराब का सैलाब आता। और उसके बाद सहाबे किराम ने फिर कभी शराब की तरफ देखा भी नहीं, यानी शराब को भी आहिस्ता आहिस्ता हराम किया।